Board Examination 2019 Class 10 English General जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का प्रश्न पत्र होता है, इसका सेक्शन ए हल करने के लिए कुछ सरल विधियां बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर आप इस सेक्शन को आसानी से हल कर सकते हैं। ये सेक्शन अनसीन पैसेज का होता है और इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आप कुछ तकनीक को अपनाकर इसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं और इसके कुल अंक 15 हैं जिन्हें आप कैसे पाएंगे। इसे हल करने के लिए मैं आपको कुछ सरल विधि बता रही हूँ। देखिए, सेक्शन ए यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, कॉम्प्रिहेंसन में के लिए पाठ्यक्रम में 15 अंक आवंटित हैं जिसमें 3 अनसीन पैसेज दिए जाते हैं। प्रत्येक पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 3 शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सेक्शन अत्यंत ही आसान एवं स्कोरिंग होता है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में होता है, इसलिए उसे इन्हें अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। पैसेज 3 होते हैं और तीनों ही पैसेज अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला अनसीन पैसेज होता है वो फैक्चुअल होता है, दूसरा अनसीन पैसेज डिस्कर्सिव होता है और तीसरा अनसीन पैसेज लिटररी पैसेज होता है। एक बुकलेट जारी की गई है बोर्ड के द्वारा जिसमें आप कुछ जान पैसेज हल करके इसमें अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर मालूम होना ज़रूरी है। कुछ शब्द हैं इनसे आपको, जिन्हें WH वर्ड भी कहते हैं, यदि आप इनसे परिचित होंगे तो आप अनसीन पैसेज के आंसर आसानी से दे पाएंगे। हु का अर्थ है कौन, ये व्यक्तियों के लिए आता है। वेयर का अर्थ है कहाँ, ये स्थान के लिए आता है। व्हाई यानी क्यों, इसमें आपको कारण पूछा जाता है और आपको इसका जवाब आंसर जो लिखेंगे आप वो बिकॉज करके लिखेंगे। व्हेन का अर्थ है कब, ये समय के लिए होता है। हाउ यानी कैसे, व्हाट यानी क्या, विच कौन सी, हुज यानी किसकी और हुम यानी किसे। आप इन प्रश्नों से परिचित हैं तो आप उत्तर देंगे। देखिए, एक पैसेज है आपके सामने, नाना साहिब टर्न्ड वन ऑफ द डेडलीस्ट टूल्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ही विद हिज वाइस वजीर अजीमुल्ला खान थॉट डे एंड नाइट टू एवेंज हिमसेल्फ अपॉन द इंग्लिश फॉर द रॉन्ग डन टू हिम, ही सीक्रेटली यूनाइटेड ऑल द इंडियन प्रिंसेस अंडर हिज बैनर एंड हेज्ड अ कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश एम्पायर, ही गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन 1857 एंड बिगेन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस टू ड्राइव आउट द इंग्लिश, ही सून ऑक्यूपाइड हिम कानपुर एंड अलाहाबाद बट द स्टार्स वर अगेंस्ट हिम, he was defeated by the superior forces of Sir Colin Campbell and was forced to flee for his life to Nepal, his name will be written in golden letters in the history of India. अब क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, the war of independence was begun by, the war of independence किसने शुरू किया था। आप देखिए पैसेज में आपको लाइन मिल रही है begin the war of independence, ठीक है, तो किसने शुरू किया था, इसमें आंसर लिखा हुआ है ही गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड बिगिन। अब यदि आप इसका आंसर ही लिखते हैं तो ये गलत होता है क्योंकि आप ही प्रोनाउन लिख रहे हैं और आपसे नाउन पूछा जा रहा है, तो ही का आंसर हमको पैसेज की पहली लाइन में ही मिल गया है, नाना साहेब, अर्थात नाना साहेब ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू किया था। इसका आंसर है फर्स्ट का ए, नाना साहेब। सेकेंड क्वेश्चन है, कानपुर एंड अलाहाबाद आर इन,
कानपुर और इलाहाबाद कहाँ है ये इस पैसेज में आप नहीं समझ सकते, ये सामान्य बुद्धि पर आधारित है कि कानपुर और इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। थर्ड क्वेश्चन है, हु यूनाइटेड ऑल द इंडियन प्रिंसेस, अर्थात हु अभी आपने को बताया था, हु अर्थात कौन, तो किसने इंडियन प्रिंसेस को मिलाया। अब आप देखिए इसमें तीसरी लाइन में मिल रहा है सीक्रेटली यूनाइटेड ऑल द इंडियन प्रिंसेस, इसमें भी ही प्रोनाउन दिया है, तो इसका आंसर भी आप क्या लिखेंगे, नाना साहिब, आंसर होगा नाना साहिब यूनाइटेड ऑल द इंडियन प्रिंसेस। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इसमें पूछा है, हु वॉज अजीमुल्ला खान, अजीमुल्ला खान कौन थे। अब अजीमुल्ला खान कौन थे, आप देखिए इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सेकेंड लाइन आप देखिए फर्स्ट से स्टार्ट हुआ, ही विद हिज वाइज वजीर अजीमुल्ला खान थॉट डे एंड नाइट टू एवेंज हिमसेल्फ अपॉन द इंग्लिश फॉर द रॉन्ग डन टू हिम। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, पूरी की पूरी लाइन उतार देते हैं, प्रश्न का डायरेक्ट आंसर देना है कि हु वॉज अजीमुल्ला खान, एडजेक्टिव लगा हुआ है अजीमुल्ला खान के पहले कि ही विद हिज वाइज वजीर, अब आपका आंसर क्या होगा, वाइस वजीर थे अजीमुल्ला खान, किसके वाइस वजीर थे, नाना साहेब के, तो आपका आंसर क्या होगा, हु वाज अजीमुल्ला खान का आंसर होगा, अजीमुल्ला खान वाज द वाइस वजीर ऑफ नाना साहेब, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है, गिव अपोजिट ऑफ वर्ड रॉन्ग, अर्थात रॉन्ग शब्द का अपोजिट यानी विलोम शब्द आपको लिखना है। रॉन्ग शब्द का अपोजिट आप जानते हैं, रॉन्ग शब्द का अपोजिट क्या आएगा, रॉन्ग का अपोजिट होगा राइट। इस तरीके से इस पैसेज के पांचों प्रश्न के उत्तर मिल गए। ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने शुरू किया, आंसर है नाना साहिब, सेकेंड का आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक, इस तरीके से आप इन पैसेज को हल करके